किसमें उपेय में, जैसा जो पढ़ाई में आता है वो मानव को, वो छात्र को पढ़ाई में तो ज्यादा इच्छा नहीं होती है, लेकिन पढ़ाई का फल है ना, वो फल क्या है? पढ़ाई का फल तो एक पत्र लेना, अधिकार लेना, अधिकार से उद्योग लेना, नौकरी से संपादन, संपादन से संपत्ति, संपत्ति से सुख, सुख से भोग, ये सब प्राप्त करने के लिए वो तो पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में उनको अभिरुचि ज्यादा लोग को नहीं है, इसलिए उपेय रुचि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपेय रुचि। ऐसा एक पदार्थ को हम लेते हैं, दवाई लेते हैं, दवाई तो मीठी नहीं है, क्यों लेते हैं? हमको तंदुरुस्त, आरोग्य तो मीठी है, वो आरोग्य प्राप्त करने के लिए वो दवाई लेते हैं। इसलिए उद्योग में, उद्योग बुद्धि में और अभ्यास में तो इच्छा नहीं है, लेकिन अभ्यास का फल में तो इच्छा है। यदि वो तो औद्योगिक वातावरण हो, आभ्यासिक वातावरण हो, औद्योगिक वातावरण हो, उसमें उपेय के ऊपर हमारी दृष्टि है और हमारी इच्छा भी है, और उपाय वो साधनों हम जैसा दंत ग्रस्त करके वो काम तो कर देते हैं, दिल से नहीं करते। इसलिए शास्त्र में इसको बोलते हैं अवबोधन, बोलते हैं अवबोधन। अवबोधन का लक्षण क्या है? अवबोधन का लक्षण ये है, दो प्रकार की शक्ति है, हित शक्ति और प्रिय शक्ति। इसलिए सब लोगों को प्रिय का लक्षण ये बताया शास्त्र में, विवेक से हमारा जो हित कामना के लिए, नहीं तो हित कामना सिद्धि के लिए जो उपाय होता है, उस उपाय पर प्रीति डालना, ये सब क्या बोलते हैं? इसका उपमान भी अच्छा बता दिया शास्त्र में, जैसा जारगर्भ इव स्त्रियः, ऐसा एक शादी संस्कार होना चाहिए, भर्ता और भारिया ऐसा एक लक्षण होना चाहिए, फिर तो शिशुपत्ति होना चाहिए, ऐसा एक आदमी को हित ज्ञान होना चाहिए, जो वस्तु हमारा कल्याण के लिए है वो वस्तु के पहले समझना, वो समझने के बाद ही इसके ऊपर प्रीति डालना है। अभी तो दुनिया में ऐसा नहीं है, प्रीति का लक्षण तो अभी परिवर्तित है, ऐसा हमको जो वस्तु प्रीतिपूर्वक है वो वस्तु तो हमारे ऊपर आ जाता है और उसको हम हित मानते हैं। दो प्रकार का दोष है, पहला दोष तो जो वस्तु हमको बहुत प्रीत है, अभिप्रीत है, वो वस्तु को हम हित मानते हैं, और दूसरा तो हित समझने के पहले प्रीति का उत्पादन हम कर देते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया पहले हित ज्ञान दे दो। जैसा अज्ञान दिशा में, सात उम्र पर तो अज्ञान दिशा है, जैसा शास्त्र में बताया तीन समय संदर्भ है आपको, ऐसा गुण निवेदन के लिए, गुण संस्थान के लिए, ऐसा ये कारागृह और उपग्रह और प्रासाद, ये सबका निर्माण शास्त्र बताया। ऐसा निर्माण का आधार भूतक हमारी बोध जो संस्कार संसिद्धि है उसको पहले शास्त्र में बताया कि तीन अवस्था में इसको आधार तम बना सकते हैं। पहला अवस्था तो प्रीनेटल, अंग्रेजी में बोलते हैं जन्म पूर्वक, और दूसरा तो गर्भ संस्कार, तीसरा तो जात संस्कार। इसलिए शास्त्र में बताता है जब एक बच्चे की विपत्ति होने के पहले शत प्रतिशत उनका गुण निर्वहन, उनका लक्षण, वो सब हमारा संकल्प से कर सकते हैं। जैसा गर्भ है उधर में वो गर्भावस्था में है, तब तो हम 70 से अधिक प्रतिशत इसका गुण लक्षण है, स्वरूप रूप विभूति विभूति कल्याण प्रक्रिया आचार अनुष्ठान योग सिद्धि, ये सबके बारे में बहुत ऐहिक तो आनुष्मिक हो आध्यात्मिक हो, वो सबके बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं। वो शिशु की उत्पत्ति के बाद सात उम्र तक, उपनयन गर्भ तक, हम तो इसके बारे में 50% उसका निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए प्रेरणा निर्वहन परिवर्तन भेदन यथेचा स्थापन गुण निवेदन, ये सब तो वो आदमी का जन्म के पहले बहुत कर सकते हैं, वो जन्म वृद्धि गर्भवीण में होने के समय में बहुत कुछ कर सकते हैं, और जन्म से वो अज्ञान दशा तक जब तक वो विवेक बुद्धि नहीं होगी, 7 साल के ऊपर तो विवेक बुद्धि, अभी तो 4-3 साल में तो विवेक बुद्धि चल जाता आ जाता है, वो 7 उम्र था जब तक विवेक बुद्धि नहीं थी उस समय पर वो गुणों का निर्वहन नहीं तो परिकल्पन हम कर सकते हैं, स्वतंत्र से कर सकते हैं। फिर उम्र बढ़ाने के समय में वो करने का बहुत संदर्भ तो कम होता है, विपरीत भी हो सकता है। इसलिए शास्त्र में बताया समय कब करना है। इसलिए हमारा पहला दोष ये है कि दुनिया में बहुत अनुभव करके, बहुत जान करके, हम तो सफेद कागज नहीं है, हम बहुत लिख के फिर मार के इसके ऊपर लिख के इधर बहुत कुछ है, लेखन प्रतिलेखन अलेखन इधर बहुत किए हैं। इसलिए हम उम्र में अनुभव में हम तो निष्कलंक नहीं है, उम्र में ज्यादा इसलिए
इसको क्या बोलते हैं, इच्छा और सामर्थ्य। यदि इच्छा है सामर्थ्य कम हो जाता है एक वस्तु, ये सब बहुत शास्त्र में विधि प्रक्रिया और तार्किक रूप में हम कुछ प्रसंग दे देंगे। तो यदि कोई तर्क ज्ञान में इच्छुक नहीं है और शास्त्र ज्ञान में पूर्व परिचय नहीं है, इसके पहले ये आत्मानुभूति नहीं है, वो लोगों को पहले बार समझाना बहुत मुश्किल होगा। रस पक्व बोलते हैं और आम्र पक्व बोलते हैं और नारिकेल पक्व बोलते हैं। ऐसा नारियल को आप जैसा रस पीते वैसा नहीं ले सकते, सो धीरे धीरे इसका स्वादन और इसका मिलन तो बहुत धीरे धीरे करना चाहिए। ऐसा ये समय, समय मैंने कौन सा समय, अभी तो एक समय है, दैनिक समय है, ये समय तो हम बोलते हैं मंद समय। 11 बजे से 2 बजे तक तो मंद समय है, और 3 बजे से इस समय पर हम ऐसा बोलना चाहिए जो प्रोत्साहभूत और हास्य रस भरित और प्रदर्शन भूत, ऐसा बहुत प्रकार का प्रदर्शन है, ऐसा रूप प्रदर्शन बोलते हैं, ध्वनि प्रदर्शन बोलते हैं, हास्य भरित बोलते हैं, संगीत ऐसा कला कार्यक्रम बोलते हैं, बहुत उपमा और बहुत सारल्य लालित्य भाव से यदि कुछ बताते हैं वो तो कुछ धीरे 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 कुछ चलेगा। ये तो भाई बहुत विषम पद से कठिन पद से यदि व्याख्यान में बहुत कठिनाई निकल के हम बोलेंगे तो किसी को भी अंदर नहीं चलेगा। इसलिए समय का लक्षण भी देना चाहिए, जैसा ब्राह्म मुहूर्त सुबह कुछ बताएंगे तो उस समय कुछ अधिक चलेगा, और शाम में 5 बजे के बाद कुछ बताएंगे तो पद्धति वो सब, क्योंकि अभी तो प्रदर्शन ही नहीं है ना, हमारी वाणी से ही बोलना चाहिए। कोई आदमी हमको पूछा क्यों आप ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, प्रदर्शनी है, संगणक प्रदर्शनी है और चित्र प्रदर्शनी है, ये सब आप कर सकते हैं। मैंने बोला आचार्य शिष्य परंपरा में आकर्षण नहीं है, आकर्षण की बात नहीं है, वो तो शक्ति और तेज और परिवर्तन का बात है, जिसमें आचार्य उनकी कृपा से ऐसा बोलते हैं ना, एक लक्षण मुद्रा डालना चाहिए तो उसको आग चाहिए, आग चाहिए और उसका रस, मूल रस भी चाहिए, जिससे आप उस मुद्रा को उसके ऊपर छपा सकते हैं। इसे भी यहाँ कृपा से और ज्ञान रश्मियों से, वो तो ज्ञान देना चाहिए, वो सब तो बोधक का लक्षण है। बोधक, शिक्षक, गुरु, आचार्य, अध्यापक, ये सब अलग अलग प्रकार का होता है, और अध्यापक लोग एक छोटा किताब से आपको पढ़ाएंगे और चित्र प्रक्रिया से कोई लोग पढ़ाएंगे, वो सब तो अलग है। और गुरु शिष्य संप्रदाय में जो आकर्षण होता है, जो बल होता है, जो सारण्य, जो सौलभ्य होता है, वो सब आचार्य उनकी कृपा से, नहीं तो उनकी वाणी से, नहीं तो उनका जो प्रदर्शन है उससे ही लाना पड़ेगा। आचार्य और शिष्य के मध्य में किताब नहीं होगा, कोई यंत्र नहीं होगा, दूसरी पद्धति नहीं तो उपाय नहीं, कभी भी नहीं होगा। सिर्फ ये शिष्य का जो समर्पण भाव और ज्ञान में जो अभिरुचि है और आचार्य के पास जो प्रतिपत्ति है और ज्ञान प्राप्ति के लिए जो पिपासा है, वो सब प्राप्ति हेतु भूत गुण है शिष्य के पास, और शिष्यों का उद्धरण की कामना और जगत कल्याण में जो अभिरुचि है, भगवत भक्ति, सेवा भाव और ज्ञान का विकास, ये सब आचार्य का गुण है शिष्य का उद्धारण के, ये सब तो साधन है, ये सब तो साधन नहीं है। जो ये ध्वनिवर्धनी ये साधन है, रूप प्रदर्शनी एक साधन है, चित्र फलक एक साधन है, लेखनी फलक एक साधन है, वो सब तो साधन नहीं है। ज्ञान, अभिरुचि, भक्ति, वैराग्य, अभ्यास, तपस्या, योग, ये सब तो साधन ही है। आधुनिक जो सार्वजनिक साधन है उससे तो एक काम नहीं होगा, जो प्राचीन साधन उससे करना चाहिए, पहला विषय। दूसरा तो समय मैंने बोल दिया, दूसरा तो एक समय में यदि आधा घंटा के लिए, नहीं तो एक घंटा के लिए एक सभा मंडप में हम उपस्थित होकर कुछ ना कुछ बताएंगे तो वो पूरा नहीं बता सकते, पूरा विषय नहीं बता सकते। इसलिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ घोड़ा जैसा हम जल्दी जल्दी सब बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक न्याय है, हमारे दिल में न्याय है, जो शीर्षक हमको दिए हैं मुझे बात करने के लिए, उसके ऊपर हम कुछ ध्यान रख के उसमें एक परिपूर्ण भाव रेखा रूपरेखा हम बोलना ही चाहिए। इसलिए समय तो बहुत कम देते हैं, इसलिए उसी समय पर वो समय के वजह से हम विषय को कम नहीं कर सकते, और विषय के वजह से वो समय भी ज़्यादा नहीं वो दे सकते, क्योंकि वो सार्वजनिक प्रोग्राम है, सार्वजनिक कार्यक्रम में बहुत लोग, इसलिए हम बोलते हैं इसको बोलते हैं ईषद प्रदर्शन। जैसा समाज में जो वस्तु पदार्थों को बेचते हैं वो तो एक पदार्थ का सैंपल बोलते हैं ना, प्रदर्शन, वो तो ईषद प्रदर्शन बोलते हैं। एक सिनेमा है उसका ईषद प्रदर्शन को ट्रेलर बोलते हैं, और एक पदार्थ है, एक कमोडिटी है, उसका ईषद प्रदर्शन को सैंपल बोलते हैं। इसलिए इसका ईषद प्रदर्शन एक घंटा नहीं तो आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट जब समय वो देते हैं, जितना देते हैं उस पर हम तुरंत बता देते हैं, जिसका अभिप्राय यह है कि वो सुन के
यदि उसका मूल अर्थ में इतना होता है।